यूपी के भदोही से ईरान और इजराइल युद्ध के बीच काम करने गए भारतीय मूल के कारीगरों को लेकर दावा किया जा रहा है कि वो मजबूरी में काम कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले पर परिजनों ने अलग ही दावा किया है। परिजनों का कहना है कि उन्हें वहां कोई परेशानी नहीं है, वो मौज मस्ती से काम कर रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मोदी है तो उन्हें कोई गम नहीं है। श्रम प्रवर्तन विभाग ने भी कहा कि यूपी समेत पूरे भारत से गए मजदूर पूरी तरह सुरक्षित हैं, भारत सरकार उन पर नजर बनाए हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की पहल पर एनएसडीसी द्वारा इसराइल भेजे गए भदोही जनपद के कुशल कारीगर इसराइल युद्ध के बीच काम कर रहे हैं, जिन्हें लेकर कारीगरों के परिवार और जानने वालों ने चिंता जताई थी, लेकिन जब परिजनों ने उनसे बात की तो राहत की सांस ली है। कर्मा अनिल, इंडिया से, भदोही जिला, उत्तर प्रदेश का निवासी हूं। आप सबको बताना चाहता हूं, जो 1 तारीख को ईरान से हमला हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त नहीं हुआ, लेकिन क्या करें, डर तो सबको लगता है, सबको अपनी जान प्यारी है, तो इस समय कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, जो भी है ठीक ठाक है। मेरे बड़े भाई गए हैं और मेरे एक चाचा का लड़का गया है, छोटा भाई, दो लोग मेरे इसराइल में है इस समय प्रेजेंट टाइम में, जो कि अभी छोटा वाला भाई मेरा करीब गया है, उसको 10 से 15 दिन हुआ है, और हमारे बड़े भाई साहब गए, उनको समथिंग इस 10 तारीख को 3 महीना हो जाएगा। क्या सूचना वहाँ से मिल रही है? सूचना वहाँ से मिल रही है सर, थोड़ा सा वहाँ का माहौल गड़बड़ चल रहा है, थोड़ा सा मिसाइलें चल रही हैं, हवाई युद्ध चल रहा है, तो इसमें थोड़ा सा उनको अंदर डर तो जरूर है, लेकिन वो जाहिर नहीं कर रहे हैं, और हमारे पूछने पे यही कह रहे हैं कि कोई दिक्कत वैसे खास नहीं है।